आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन के पटल पर बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि कोरोना से आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है, हम किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम रावत ने बजट पेश करते हुए बताया कि नंदा गौरा योजना अंतर्गत आय व्यय में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए इस आय व्यय में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी और आस्था के केंद्र हरिद्वार में बूचड़ खानों को बंद कराने का त्रिवेंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। पर्यटन मंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इन्हें तत्काल रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि हरिद्वार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसे में यहां स्लॉटर हाउस पर रोक लगाई जाए क्योंकि इनसे लाखों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इन्हें बंद करने का विधिवत आदेश दिया है। देवनगरी हरिद्वार में जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, अब वहां पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था जहां लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशुवध नहीं होगा, स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी गई है और ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है, मंगल सूचना है। मसूरी में देर शाम को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मसूरी पहुंचे। यहां पर मसूरी के गांधी चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आम पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड में भी लोग बदलाव चाह रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन लोग आप पार्टी से जुड़ रहे हैं। का हमलावर है, यहाँ का मुख्यमंत्री इतना बदनाम हो चुका है, बच्चा बच्चा उस पर हमलावर, वो कहीं निकल जाए क्षेत्र में वोट मांगने तो जनता ही उनको घेरेगी। उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, विकास हुआ नहीं, पैसा कहाँ गया, जनता हिसाब मांग रहा है। दिल्ली के मॉडल को समझ रही है, उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, वो जब यहाँ आते हैं चर्चा करते हैं, हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं, हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। ये कहना कि दिल्ली के 5-4 स्कूल 98% रिजल्ट है दिल्ली के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का 92% करके दिखाना चाहिए। जो कहते हैं 5-4 स्कूल हैं, हर क्षेत्र में विकास किया, बिजली, महिला, सब कुछ करके दिखाया। जब व्यक्ति पिछड़ता है राजनीतिक दृष्टि से, उसकी सत्ता हिलती है, फिर उसके पास एक ही रास्ता रहता है, वो रहता है अत्याचार का, मार का, पीट का। और वही रास्ता इन्होंने अपना पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ। हम हैं ही आंदोलनकारी, हम तो जन्म जात आंदोलनकारी हैं। और जो आंदोलनकारी होता है वो आगे पीछे नहीं सोचता, उसका एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। अब इस देश में हमारा टारगेट, आम जनता का टारगेट ये बन गया है कि दिल्ली मॉडल को पूरे भारत में स्थापित किया जाए। बरेली रोड में मंडी चौकी क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि श्याम मार्बल्स के स्वामी से लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद करने के समय श्याम मार्बल्स में 3 नकाबपोश बदमाश घुसे, जिन्होंने मार्बल स्वामी को तमंचा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। उनके पास मौजूदा रुपए और मोबाइल लूट लिया गया, वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही SSP, SP सिटी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, साथ ही आसपास के सभी थाना चौकी क्षेत्र में भी चेकिंग की जा रही है। दिल्ली निकाय उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की जीत से अन्य राज्यों के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और साथ ही मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है।
गैरसैंण में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में उपवास और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने लाठीचार्ज के विरोध में स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की प्रतिमा के पास एक दिवसीय उपवास और धरना देकर विरोध जताया। रुड़की में पुरोहित महासभा का स्वागत समारोह एवं कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही वक्ताओं ने पुरोहितों की एकजुटता पर जोर दिया। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए जाने की परंपरा है। आज श्री दशनाम जूना अखाड़ा में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ 5 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। जूना अखाड़े स्थित माया देवी मंदिर के प्रांगण में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने 5 महामंडलेश्वरों को दीक्षित किया है। आज स्वामी वीरेंद्र आनंद गिरी, स्वामी कर्णपुरी और महिला संत जया अम्बे गिरी सहित एक अन्य संतों को भी महामंडलेश्वर बनाया गया। इस मौके पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से आए लोक कलाकारों ने अपनी नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।